आज की हमारी वीवी की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में मैंने फंडामेंटल्स के बारे में बताया था, बस थ्योरिकल क्लास थी और थोड़ी बहुत वीवी और क्या है कैसे ये सब के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो, रिकॉर्डिंग मैक्रो को एडिट करने के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वीवी मैक्रो के जरिए हम, जैसे कल बताया था कि हम फंक्शन मैक्रो एंड यूजर फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उसी तरह से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग मैक्रो है उसका क्या यूज है और उसका क्या बेनिफिट्स है, इनके बारे में बताएंगे और फिर टाइप ऑफ मैक्रो और बाकी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, रिकॉर्डिंग मैक्रो एक ऐसा फीचर है जो आपकी कीबोर्ड एंड माउस एक्शन को कोड में कन्वर्ट करता है। देखिए क्या होता है, वीवीए प्रोग्रामिंग जब आप खुद से लिखते हो क्या करता है कि आपके कोड को एक्शन में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने लिखा कि रेंज A1.सेलेक्ट, तो क्या करेगा, कर्सर को A1 पे लाके रख देगा। तो आपकी कोड को माउस इवेंट में, जो इवेंट है उस इवेंट में कन्वर्ट करता है जब आप वीवीए प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो। और आपका जो रिकॉर्ड मैक्रो क्या है कि आपके माउस या कीबोर्ड एक्शन को वो वीवीए लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया नेम, तो देखिए आप अगर आप ये देखते जाएंगे साथ साथ, यहाँ मॉड्यूल्स 2 में देखिए रेंज A1.सेलेक्ट, एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1 नेम, रेंज B1.सेलेक्ट। अब B1 पे मैं मान लीजिए मार्क्स लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्क्स लिखा गया, C1 पे चला गया कर्सर, अमाउंट या अमाउंट आ गया। तो जो भी आप करेंगे, जैसे आप मान लीजिए सेलेक्ट एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एरिया सेलेक्ट करने का कोड आ गया। अगर आप कॉपी कर रहे हैं, अब यहां इसको कॉपी कर रहे हैं, तो देखिए कॉपी करने का आ गया। तो जो भी माउस इवेंट करेंगे उसको कोड में कन्वर्ट कर देता है, और ये भी आपका वीवीए कोड ही कहलाता है, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। अब बहुत अच्छा सवाल इसमें आता है कि जब खुद ब खुद प्रोग्रामिंग हो जा रही है तो हम सीखेंगे क्यों, क्या आशीष जी? सही बात। खुद ब खुद प्रोग्रामिंग हो जा रही है तो देखिए सीखेंगे क्या क्यों? तो इसका क्या है कि आप जो है इससे बहुत सारे चीजें नहीं कर सकते। आप डायनेमिक नहीं कर सकते, रिपीटेशन नहीं कर सकते, कंडीशन नहीं लगा सकते, कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। तो मतलब ये समझिए कि 10% ही आप अपना ऑटोमेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लर्निंग पर्पज से है तो ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद चीज है, एक तरह से गाइड है आपका। आप पूछेंगे कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि आपको फिल्टर लगाना है और फिल्टर का कोड आपको पता नहीं, या फिर आपको चार्ट लगाना है। मैं यहाँ पे एक मिनट में स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ स्टॉप। मुझे चार्ट लगाना है, एक चार्ट बनाना है और मुझे चार्ट बनाने का कोड पता नहीं, क्या? तो आप क्या करेंगे, गूगल शूगल सब करेंगे, देखेंगे, और गूगल पे आपको एक चीज सही मिलेगा, एक चीज गलत मिलेगा, क्या राव जी? तो हाँ जी, परफेक्ट। अब क्या किया हमने कि हमने यहां से रिकॉर्ड स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट चार्ट कर लिया, राइट। अब इसको स्टॉप करते हैं। अब देखिए मेरे पास चार्ट लगाने का कोड आ गया, आ गया सर। अब मैं अगर चार्ट को डिलीट करूं और दोबारा से इस मैक्रो को, मैक्रो 2 है ना हमारे पास डेवलपर में, मैक्रो 2 रन करता हूं तो मेरा मैक्रो चल जाएगा। हाँ, इसमें दिक्कत हो गई क्योंकि हर बार चार्ट का नाम अलग होता है, इसलिए बड़ा डायनेमिक नहीं होगा सर। ठीक है, अब इस कोड को भी आप समझ सकते हैं कि एक्टिव शीट सैप्स एड चार्ट 2 201 एक्सेल कॉलम कर्सर, मतलब कॉलम कर्सर चार्ट हुआ है, ऐड हुआ है, उसको सेलेक्ट कर लिया, उसका डेटा सोर्स यही है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ना। पूरी प्रोग्रामिंग तो समझ नहीं आएगी, लेकिन हाँ मान लीजिए कि कल के डेट में डेटा सोर्स चेंज हो रहा है या चार्ट टाइप चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सोर्स आपको दिख रहा है, सोर्स रेंज ये चेंज कर सकते हो आप। इंक्रीमेंट है,
मतलब कि चार को जब हमने मूव किया था तो उसकी इंक्रीमेंट आ गई, तो आप इसको प्रोग्रामिंग को देख के समझ सकते हो और जो छोटी मोटी चेंजिंग है कर सकते हो, उठा सकते हो, जो कोड आपको चाहिए कोड वहां से पिक कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो आपको लर्निंग पर्पस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है, क्या सिर्फ सीखने के पर्पस से हम करेंगे या कुछ और भी है इसमें? तो हम इसका कुछ और यूज भी करते थे, कैसे बताता हूँ आपको। मैं इसके लिए एक डेटा लेना पड़ेगा। दीपक जी समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ सर। कह रहा सुबह सुबह आज मैंने नाश्ता कर लिया, इसे पिछले थोड़ी एनर्जी ज्यादा है, इसे जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मजाक कर रहा था सर, सुबह सुबह मजाक करना अच्छा होता है सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, डेटा है हमारे पास। अब मुझे एक काम आता है, काम क्या आता है डेली बेसिस में, काम ये आता है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा भेजना पड़ता है, पूरा डेटा होता है, उसमें से कुछ पार्ट को भेजना पड़ता है। जैसे डेटा देख लीजिए, इस डेटा में मुझे क्या होता है कि एवरी पर्सन को मुझे सिटी वाइज डेटा भेजना पड़ता है। अब कोई बोलेगा कि मुझे दिल्ली का दे दो, कोई बोलेगा पुणे का दे दो, कोई सूरत का दे दो, मैं पूरा डेटा सबको नहीं दे सकता। जो सिटी का वो देखता है, हम उसको उसी सिटी का डेटा देंगे। तो अब क्या होता है कि मुझे हर बार जाके यहां से सिटी को फिल्टर करना पड़ता है, फिर डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है और कॉपी करके फिर नई सीट पे नई फाइल में डालना पड़ता है। ये क्या हम करते हैं, मुझे प्रोग्रामिंग आती है या थोड़ा बहुत आती है, हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग मैक्रो का मदद लिया, हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्डिंग मैक्रो यूज करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो जो जरूरत है उसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, अननेसेसरी स्टेप को फॉलो मत कीजिएगा, पहला रूल ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो भी आप करेंगे, यानी माउस ऊपर नीचे भी करेंगे, कहीं क्लिक व्लिक भी करेंगे, सारा रिकॉर्ड होगा। एक्स्ट्रा जो होता है, हम लोग बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि इधर क्लिक करना, उधर क्लिक करना, इधर जाना उधर जाना, ये चीजें इसलिए मत कीजिएगा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, फिल्टर लगाया, या सिटी में गए, सिटी में हमने आगरा को सिलेक्ट किया, एंड ओके। अब मुझे इसको कॉपी करना है, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कॉपी कॉपी के लिए सिलेक्ट, कॉपी करने के लिए सिलेक्शन तो करना पड़ेगा, जब भी आप सिलेक्शन करें तो आप सिलेक्शन खाए तो कंट्रोल ए कर ले। लेकिन कंट्रोल ए करने पे दिक्कत क्या होगा, पीछे की डेटा भी कॉपी हो जाएगा, पीछे का डेटा भी कॉपी हो सकता है। तो पीछे डेटा कॉपी ना हो इसके लिए क्या करना, Alt semicolon। हाँ, मतलब कि कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल कर लीजिए, हाँ विजुअल सेल्स हम करते हैं इसको, विजुअल सेल्स को ले लिया एंड फिर इसको कॉपी किया। तो कंट्रोल ए से करे या कंट्रोल सी अप डाउन से सिलेक्शन करे, याद रखिए, मतलब कि नॉर्मल मैनुअल सिलेक्शन नहीं करना, वरना वो एक रेंज को सिलेक्ट करने का कोड आ जाएगा। फिर उसको कॉपी करें। अब देखिए, मेरे पास ऑलरेडी कई सारे शीट्स हैं, लेकिन मैं इन शीट्स पे जाके पेस्ट नहीं करूंगा, नई सीट ऐड करूंगा, क्योंकि अभी ये सीट है, लेकिन हर सिचुएशन में मेरे पास सीट होगा गारंटी तो नहीं ना है, इसलिए हम यहाँ पे एक नई सीट ऐड करें और इसको पेस्ट करें। फिर इस शीट का नाम होगा आगरा, और फिर मैं इसको राइट क्लिक करके मूव करूंगा, मूव करूंगा एक नई वर्कबुक में, और फिर उस फाइल का नाम आगरा से डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दूंगा। और फाइल को क्लोज कर दूंगा। अब हम यहां पे आता हूं, फिल्टर हटाता हूं और इसको सेव कर देता हूं, मैं रिकॉर्ड कर देता हूं।
अभी माइक्रो हमने रिकॉर्ड तो कर लिया माइक्रो थ्री, बट माइक्रो थ्री आपका परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, इसमें कुछ दिक्कत है। कोड को देखते हैं, A1 सिलेक्ट किया सही है, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर और यहाँ पे एक्टिव डॉट रेंज डॉट ऑटो फिल्टर, दो दो बार फिल्टर लगा है, एरर आने के लिए चांसेस है, तो एक फिल्टर हटा देता हूं। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये देखिए 1783 तक का ही फिल्टर लगाया हुआ है, बट डेटा में भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता था, तो यहाँ पे बोलिए सर एक चीज है सर, ये जो आपने ऑटो फिल्टर वाली चीज बोली ये दोबारा इस लाइन में आ रही है, इस वजह से आपने उसको हटाया एक्टिव शीट डॉट रेंज में, ओके फील्ड फोर जो लिखा हुआ, हाँ अननेसेसरी था। ओके क्या होता है जैसे कि आप अगर किसी एक तो आप हम लोग आपस में बोलचाल की भाषा है तो वो है ही, मान लीजिए आपको बॉस से छुट्टी चाहिए तो बॉस को जाके अगर बोलना है कि बॉस मुझे कल छुट्टी चाहिए मुझे फलाना काम है, लेकिन यही चीज को आपको रिटर्न में देना है तो क्या लिखोगे, बॉस छुट्टी चाहिए कुछ काम है, आप एक पूरा प्रोफॉर्मा तैयार करोगे ना टू द मैनेजर्स सब्जेक्ट सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या, ऐसे जाके बोलोगे तो नहीं ना। तो जो हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो समझिए आम बोलचाल की भाषा हो गई VBA की, जितना यूज हुआ जरूरत है उतना हमने लिखा, लेकिन जब रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्ड करते समय पूरा प्रोफॉर्मा वो यूज करता है, समझ गए ना, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड करते समय कुछ अननेसेसरी जो है कोड्स आ जाते हैं, इसलिए उसको हटाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए कि हम फिल्टर जो है एक कर्सर पर सिलेक्ट करके भी लगाते हैं तो पूरा एरिया का फिल्टर लग जाता है क्या, तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं कि रेंज A1 डॉट ऑटो फिल्टर कर देते हैं ताकि रेंज जितना भी हो वो ऑटो जो कंट्रोल A होता है ना करेंट रीजन उसके ऊपर वो चल जाएगा। अब यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए यही दिक्कत हुआ, मैं इसी चीज के बोल रहा था, दिख गया सर जी, ये हमने कंट्रोल A कर दिया था जिस कारण से ये आपका रेंज आया जो कि गलत है, करंट रीजन करंट रीजन भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हमारे पास एक और तरीका है हम उसका इजमा सकते हैं, जैसे कि हमने ओके किया रिकॉर्डिंग एक और कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एंड डाउन, ठीक है, तो यहां देखिए ये आया आपका सर, इसी को कॉपी करके कोड यहाँ पे मिल से कर देते हैं इसके जगह पे, ये सही है आ गया, सिलेक्शन डॉट कॉपी कर दिया, कट कॉपी फॉल्स है, मतलब कि इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, दो दो बार कॉपी हो गया ना, हमने गलती से कॉपी कर दी थी तो अननेसेसरी है, इसको हटा दिया। सुजीत सर हाँ जी, क्या मतलब हमने एक जो मैक्रो तैयार कर लिया उसको दोबारा से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब इफ वी वांट टू चेंज समथिंग? नहीं नहीं मैंने दोबारा से अलग रिकॉर्डिंग किया मैंने, ठीक 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 ओके। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेशल है, विजुअल हो गया, कॉपी हो गया, सीट ऐड हुआ, पेस्ट हो गया। अब यहाँ एक दिक्कत आ गई, सीट 6 डॉट सेलेक्ट या सीट 6 डॉट नेम, अब यहाँ पे सिलेक्ट को क्यों हटाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो सीट ऐड हुई है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है ना, हमें सिलेक्ट की कोड डालने की जरूरत क्यों है, क्या जब भी आप कोई सीट ऐड करते हैं वही सीट एक्टिवेट होती है ना, ऐसे उसको रखने से कोई नुकसान नहीं था लेकिन कोड बड़ा होता है इसलिए हमने उसको हटा दिया। अब यहां पे देखिए अगला, अब सीट 6 डॉट नेम आंकड़ा, अब यहां पे एक दिक्कत आ रही है, अब दिक्कत क्या आ रही है कि हर बार सीट 6 सिलेक्ट मतलब सीट 6 होगा इसकी गारंटी तो नहीं ना है, वो अब देखिए सीट 7 ऐड हुआ था, सीट 8 ऐड होगा, तो यहाँ ऊपर हमने देखा एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, मतलब कि जो सीट एक्टिव है उसके लिए एक्टिव सीट डालते हैं, तो क्यों ना हम इसको कॉपी करके एक्टिव सीट कर देते, क्योंकि अभी मेरा जो सीट आगरा पेस्ट हुआ है वही एक्टिव है, और फिर यहाँ पे ये देखिए आगरा वगैरह है इसको आप डिलीट कर दीजिए, बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कट कॉपी मूव फॉल्स जो है इसको हटा देता हूं, एक्टिव शीट डॉट मूव
डायरेक्टिव फंक्शन आ गया था, इसको हटा देते हैं। अब आता है आप एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, बाकी सही है, एक्टिव विंडो डॉट क्लोज, और यहाँ पे रेंज A1 डॉट सिलेक्ट और सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, मैंने फिल्टर हटा दिया तो रख सकते हैं, इसकी जरूरत है, जरूरत है। अब ये कोड हमारा परफेक्टली रन कर रहा है, इसमें नाम तो वही रखा सेव एज में आगरा सर, हम चेंज, दो मिनट दीजिए, बता रहा हूँ सर। अच्छा मुंह से एक बार में एक ही वर्ड निकलते हैं सर। तो अब बात जैसे कि इन्होंने बताया कि आगरा ही आ रहा है, क्योंकि तो इसको हमने बार बार ये नहीं किया हुआ है, मतलब कि हमें रिपीटेशंस के लिए कुछ किया नहीं है। तो मुझे अब यहाँ पे हर बार एक दो तरीके हैं कि आप यहाँ अगर दिल्ली चाहते हो तो दोनों जगह पे तीन जगह है, तीनों जगह पर दिल्ली कर दें और रन कर, दिल्ली का आ जाएगा। बट इसके लिए आपको बार बार कोडिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, हर बार कोडिंग के एक्सेस मिले आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नई VVA, थोड़ी सी VVA के नॉलेज को यूज किया और मैंने यहाँ पे एक ड्राइवर लिया सी इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां पे किया एंटर सिटी नेम, राइट, और फिर जहां जहां आगरा था वहां वहां पे हमने सी कर दिया। अब यहां पे मुक्का ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करने के लिए जैसे हम एक्सेल में एन पर्सन यूज करते थे ना सर, ऐसे यहां भी एन पर्सन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे रन होगा आपसे सिटी नेम पूछेगा, सिटी नेम पूछने का जो पॉपअप आएगा वो पॉपअप लाने का काम एक कोड कर रहा है, जो पॉपअप में आप सिटी डालेंगे वो सिटी सी पे स्टोर हो रहा है। सी क्या है, टेम्पररी सेविंग लोकेशन, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग एक्स वाई जेड ले लेते थे, एबीसीडी एक्स वाई जेड लेते थे ना, और x इक्वल टू 100 कर दिया, जहां जहां 100 जो तुम्हारा x का यूज किया आपने, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक इनपुट एक c ले और इनपुट बॉक्स में जो सिटी डलेगा उस सिटी का स्टोर हमने c पे करा दिया, मतलब कि c इक्वल टू सिटी, चाहे सिटी ले या c ले। तो हमने अभी c को हमने जहां जहां जरूरत है वहां वहां डाल दिया, इसके पर जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्टोर हो लेके अपना काम कर लेगा। और यहां पे क्या हुआ कि यहां पे कंप्लीट पाथ चाहिए, सेव का पाथ चाहिए, तो यहां पे सी क्या है, वेरिएबल्स है, जैसे अरेंज A1 V1 C1 होता है ना उस तरह से है, तो हम दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि इस पे एक्सटेंशन भी चाहिए लेकिन सी पे एक्सटेंशन तो ऐड है नहीं, तो इसने यहां पे हमने एन परसेंट लगा के दोनों को कंबाइन किया। कोई दिक्कत है कोड में आप लोगों को? जी सर, एक चीज और, मतलब सेम, मतलब मेरे पास एक ऐसी फाइल है तो उसकी अलग अलग टैब्स है, मैंने जैसे VBL थोड़ा बहुत लगाया था, तो क्या मतलब उसको जैसे अलग अलग टैब्स है, मैं टैब्स को एक नई मतलब अलग उस पे सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, हर टैब्स को, एवरी टैब्स को। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ आपको मूव sheet dot move एक नई फाइल में चली जाएगी और फाइल को सेव करे और क्लोज कर ले। ओके ओके, कोड आपका इतना ही रहेगा, ये दिख रहा है आपको सर, लेकिन इसको लूप में डालना पड़ेगा हर बार नई नई शीट के लिए। ओके ओके, ठीक है, ओके सर, चलिए अब इसको एक बार परफॉर्म करते हैं, मतलब कि इसको अप्लाई रन करके देखते हैं सर। सर एक चीज और ये जैसे नीचे है मैक्रो इन ऑल ओपन वर्कबुक, इसमें दो तीन ऑप्शन आते हैं, उससे क्या होता है सर? समझाते हैं वन बाय वन चले ना, अच्छा रहेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे सिटी नेम पूछ दिया, अब मैंने सिटी नेम मान लीजिए यहाँ पे डाल देता हूँ पुणे, एंड ओके, यहाँ पे इसने पुणे का डाल दिया,
अच्छा डेटा देख लेता हूँ, डेटा गड़बड़ तो नहीं है, पुणे का ही है ना? हाँ पुणे का ही डेटा है, ठीक है। अब इसमें अब मोरल ऑफ स्टोरी सुन लीजिए, ये प्रोग्रामिंग का इतना झंझट झंझट करना पड़ा क्योंकि मान लीजिए हमें प्रोग्रामिंग आती भी है लेकिन हम इतने सारे कोड लिखने से तो बच गए। तो हम लोग जब बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करते थे, बड़े 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 रिपोर्ट जब बनाते थे, तो उसकी रिपोर्ट को एक एक बार हम लोग क्या करते थे कि रिकॉर्डिंग ऑन करके हम बनाना शुरू कर देते थे। उसके बाद जब सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाते थे उसके बाद उसको हम लोग डायनेमिक कर देते थे। इससे क्या होता था कि हमें पूरा कोड प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो जाता था, बस उसको थोड़ी जहां जहां दिक्कत है डायनेमिक की दिक्कत होती थी वो दिक्कत को रिजॉल्व करा देते थे, कुछ कोड ऐड कर देते थे कुछ कोड डिलीट कर देते थे। जैसा कि आपके सामने हमने कुछ ऐड किया और कुछ डिलीट किया। तो रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग मैक्रो का इसका भी इस तरह से भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ और चीजों पे, जैसे कि अभी अभी उन्होंने पूछा कि ये क्या है माइक्रोजीन, तो इस चीज को जान लीजिए। ये होता है ऑल ओपन, आपके पास हो सकता है यहाँ पे तीन चार फाइल ओपन हो, हर फाइल में मैक्रो हो, तो सारे फाइलों के मैक्रो लिस्ट में चाहिए या दिस वर्कबुक का चाहिए या पर्टिकुलर वर्कबुक का चाहिए, समझ गए? क्योंकि जब मैक्रो होता है वो स्टोर होता है, जब मैक्रो हम क्रिएट या रन करते हैं तो एक किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर होता है, तो आप एक फाइल के मैक्रो दूसरे फाइल में यूज कर सकते हो। इस पे जो थ्योरिकल क्लास है वो हम कल आपको देंगे टाइप ऑफ मैक्रो में। अब बात करते हैं कि मैक्रो रन करने का क्या ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन है कि आप यहां से रन करें, दूसरा है आपको यहां पे ऑप्शन में ऑप्शन पे जाए, यहां पे उसके शॉर्टकट्स बना ले। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्यू बना लिया, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू से इस मैक्रो 3 को रन कर सकता हूं, राइट? आप बोलेंगे सर इसमें और भी चीजें से स्टेप इन्फो क्या है, स्टेप इन्फो हुआ कि आपको लाइन बाय लाइन कोड रन करना हो, ये भी आगे चलकर हम बताएंगे, लाइन बाय लाइन कोड को रन करना हो उसके लिए होता है। जैसे कि स्टेप कर दिया आपने, अब देखिए एक एक करके इंस्टॉल होगा, इसके लिए एफर्ट एफर्ट या फिर आपको इसमें डिबग में स्टेप इन्फो होता है, तो एक एक लाइन चलेगा, राइट? अब देखिए ये हैंग हो गया तरीके, कोड आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, फाइल हैंग हो गया। मेरे पीसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब भी मैं यहां से स्टॉप रीसेट करता हूं मेरा एक्सेल हैंग हो जाता है, रीसेट नहीं होता है। सर रीसेट का क्या मतलब होता है इसमें? जैसे कि आपने माइक्रो आपका आधा चला हुआ आधा बचा हुआ, तो आपको बाकी का आधा नहीं चलाना है, तो आप रीसेट कर देंगे तो वापस माइक्रो शुरू से हो जाएगा। ओके एक कोड आपको नहीं मिल पाएगा, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, आप रिकॉर्डिंग्स ले लीजिएगा। तो समझ में आ गया आपको मैक्रो का स्टेप बारे के बारे में। अब बात ये आती है कि एस बुक टू आ तो गया, देखते इसमें मैक्रो आया है कि नहीं है। हाँ नहीं, वो मैक्रो आपका हाँ आ तो गया, सही है। लेकिन वो अब आप पूरा चेंजेबल मैक्रो नहीं है। अब जैसे कि मैक्रो को रन करना है आपको बटन के थ्रू, तो दो चीजें हैं, एक है कि आपको ये बटन ले ले और इस पे आप इसको सिलेक्ट करें, तो आप सिलेक्ट कर ले जो मैक्रो को रन करना है उस मैक्रो को क्लिक करते हो मैक्रो रन हो जाएगा। नाम चेंज करना है कर्सर रखे इस पे और नाम चेंज कर ले, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रन। ये तो आपका किसका मैक्रो बटन हो गया, यहाँ इंसर्ट में फॉर्म कंट्रोल का, एक्टिव कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसलिए आपको इस पर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तो मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट जैसे फोटोग्राफ या कोई हमने जो शेप्स होते हैं वो हमने डिजाइन कर रखे हैं, तो उस पर क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम मैक्रो असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको एक शेप डिजाइन किया और इसको अच्छा फॉर्मेटिंग देना है तो दे देता हूँ, और इस पर लिखना है रन तो मैं वो भी लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक हो तो मेरा मैक्रो रन हो, मैं अपने खुद का बटन हम बनाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, क्या होगा
राइट क्लिक कीजिए और यहाँ असाइन मैक्रो दिखेगा और अपना माइक्रो असाइन। तो माइक्रो आप एक तो रन से वहां से ओपन कर रन कर सकते हैं माइक्रो लिस्ट में, शॉर्टकट असाइन कर दिया तो शॉर्टकट का आप यूज कर सकते हो, यहाँ डेवलपर बार के जो बटन है वो बटन में इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको असाइन कर सकते हो, फोटो के से लेकर हर एक चीज के ऊपर। समझ में आ गया सर? अब टाइम टू होमवर्क। अब आपको क्या करना है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रिकॉर्डिंग मैक्रो का, तो आपको एक नहीं दो काम करने हैं। पहला काम करना है कि ऐसे छोटे छोटे काम का माइक्रो बना के आपको चेक करना है, और दूसरा मैंने आपको बोला था ना एक बड़ी सी डायरी रखने के लिए कल, उस डायरी में आप शुरू कर दें हर एक्सेल के मेनू बार के हर एक ऑप्शन का वीवीए कोड, समझे? फाइल से स्टार्ट करें, सेव करने का कोड क्या होता है, न्यू लेने का कोड क्या होता है, सेव एज करने का कोड क्या होता है, प्रिंट का कोड क्या होता है, शेयर कोड क्या होता है, क्लोज करने का कोड क्या होता है, ऐसी होम मेनू बार कॉपी करने का कट करने का कोड क्या होता है, इसकी पूरी एक डायरी में आप डेली जो है, अब पूरा एक दिन तो आपसे होगा नहीं, तो डेली जो है 20-25-50 कमांड का लिखे तो सही रहेगा, ठीक है? क्योंकि इसके सारे कोड आपको रिकॉर्ड करने से मिल जाएंगे। अगर मैं एक एक चीज बताने लगा तो कोर्स काफी लंबा गिर जाएगा, तो मैं वो चीजें बताऊंगा जो कि डायनेमिक होता है या वो चीजें जो आपको समझ में नहीं आया, बाकी चीजें आप रिकॉर्डिंग माइक्रो से ले लीजिएगा। हम फोकस करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग मेथड पे, जैसे कि इंग्लिश आप सीखते हैं तो इंग्लिश सीखते समय टीचर आपको क्या सिखाता है, टीचर आपको सिखाता है पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और जो जो ग्रामिकली है वो ज्यादा सिखाता है आपको। ये तो नहीं सिखाता ना कि वर्ड मीनिंग ए फॉर एप्पल बी फॉर वॉल, वो तो आप खुद याद करते हैं, वर्ड पावर जिसको बोलते हैं। उसी तरह से अगर आप हर एक ऑप्शन का कोड लिखते हैं तो आपका वो कोड पावर हो जाता है, और फिर जब हम बीबीबी कंसेप्ट आपको समझाएंगे तो उस कोड को उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यूज करोगे तो यू कैन क्रिएट द डायनेमिक मैक्रो, ठीक है आशीष जी? हाँ जी सर, मिलते हैं कल सेम टाइम। सर सुजीत सर मेरा वो कल का वो रह गया, क्या रह गया सर? वो क्लियर का आप कह रहे थे, उसमें क्लियर लगा के देख सकते हैं। हाँ जैसे कि चलो फाइल मैंने फाइल भेजी, फाइल अभी भेजी है मैंने आपको ईमेल पे आपके, ठीक है देख लेता हूँ। इनकी एक छोटी सी नितिन जी की प्रॉब्लम है ऑफिस की, तो उनको भी सॉल्व कर देते हैं। टाइम भी दिखा रहे हैं कितना टाइम बचा है रिमेनिंग मीटिंग टाइम। कहाँ पर है आपका तो सर? ये बीडी डेटा में इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं मतलब कॉपी करके अगर कहीं उसमें डाल रहा हूँ ना, इसमें डाला मैंने बीडी डेटा में, अरे इसमें कहाँ कौन सा डाला आपने, दिक्कत तो दिखती रहा है, सब तो आ ही रहा है। नहीं जैसे मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस की फाइल है तो उसमें से सारा डेटा डाल करता हूँ इसमें। हाँ तो आप एक काम मैक्रो पकड़ ही रहा है जब तक मैं ये डिलीट नहीं करता टेक्स्ट। नहीं एक आप एक में एक 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 सिंपल सा ऐड कर दीजिए इक्वल टू ए, ठीक है ना? नहीं इसमें और में लगेगा, इसमें इक्वल टू हमने ब्लैंक कर दिया। हाँ ठीक है, अब नहीं चलेगा, अब इसमें एक तो ब्लैंक कर दें या फिर क्लियर का डेटा होता है, जैसे कि यहाँ जो कंडीशन लगा हुआ है ना, क्या होता है कि जीरो हो सकता है यहाँ, इस पे दिक्कत होता है टेक्स्ट पे होता है ना?
हाँ सर, टेक्स्ट मान ले कहीं से कॉपी करा डेटा और इसमें करा, अगर टेक्स्ट ब्लैंक है ना तो ब्लैंक पे जाकर डिलीट का बटन दबाना पड़ता है मुझे। अच्छा डिलीट का बटन दबाना पड़ता है। हाँ, और डिलीट का बटन दबाते। हाँ तो आप हाँ एक काम कर सकते हैं इसमें, हमने यहाँ n2 इक्वल टू 0 जहाँ जहाँ n2 डाला हुआ है ना उस तो वहाँ उसको उसको क्लियर में डाल दीजिए, वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर के कारण आ गया होगा, क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लीन कर, क्लियर। जब क्लीन कर दीजिएगा तो फिर ये इक्वल, देखिए दो तरीके हैं, एक तो है कि आप इसको डाल के देखिएगा, इस पे डालने के बाद वर्क हो जाएगा, पहला फर्स्ट आपका ये। और यहाँ पे सेकेंड में जहां जहां इनटू है ना उसको क्लियर में डाल, बस सिंपल सा। जब इनटू क्लियर में डालिएगा ना तो फिर ये मत दीजिएगा, ठीक है। मैं एक कर दिया हूं,